वी वर डूइंग उसका वेदर फोरकास्टिंग इन द लास्ट क्लास, सो उसका प्रोसीड्यूर कर लिए थे. सो व्हाट व्हाट इज अ टूल ऑफ वेदर फोरकास्टिंग? क्या मौसम पूर्वानुमान के क्या क्या साधन हैं, किन किन चीजों को यूज किया जाता है, किन किन उपकरण का यूज किया जाता है? तो उसमें हम लोग जैसे है कि तापमान मेजर करना है तो उसके लिए थर्मामीटर है, वायुदाब को मेजर करना है, आर्द्रता, वर्षा, तूफान इत्यादि का निगरानी के लिए तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है. थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, रेन गेज है, रेडियो सॉन्डी आप सभी पढ़े थे इसके पहले, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये सब चीजें चाहिए वेदर फॉरकास्टिंग अगर निकालना है, जानना है तो. और उसका कुछ साइन होता है, कुछ सिंबल्स भी होता है, जैसे वर्षा है तो कोल्ड फ्रंट है. आप जैसे फ्रंट पढ़े हो, वाताग्र पढ़े हो, तो उसमें देखते हो कि वाताग्र में ऐसा ट्राइंगल जैसा बना रहता है, कोल्ड में वार्म रहेगा तो हाफ सर्किल हेमिस्फेयर जैसा बना रहेगा. तो उसका कुछ सिंबल्स होता है, कुछ माप होता है, कुछ उसका चिन्ह होता है, मौसम चिन्ह को फिर तो उसको देख करके उसको लिखा जाता है कि ये साइन है तो इसका मतलब ये होगा. जैसे आप ट्रैफिक जाते हो, एक मिनट, हाँ, तो गर्ल्स हम लोग कर रहे थे व्हाट आर द टूल्स वे यूजिंग फॉर वेदर फॉरकास्टिंग. और उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जिनको देख के समझा जाता है कि मौसम का ऐसा होने वाला है. जैसे वायुमंडल, एटमोस्फेयर का जो वेदर का जो एलिमेंट है, मौसम के तत्व का जो मापन या निगरानी करते हैं तो बहुत सारे उपकरण से करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं. तो उसमें बहुत सारे सेंसर लगा होता है, जैसे हम लोग ये उपग्रह का यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट है, डॉपलर रडार है, रेडियो सॉन्डी, सबको यूज किया जाता है फॉर वेदर फॉरकास्टिंग. जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था पहले, रेडियो सॉन्डी जिसको रॉबी सॉन्डी भी कहा जाता है, तो वो एक ऐसा यंत्र है जिसमें जिसको मतलब बलून के साथ ऊपर भेजकर ऊपर का वायुमंडल मतलब क्षोभ मंडल से मतलब ऊपरी वायुमंडल नी, मतलब निचला क्षोभ मंडल जिसको कह सकते हैं, तो वहां का तापमान, वहां का वायु दाब, आर्द्रता, सभी सूचनाएं एकत्र करता है. और वो ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर जो रेडियो रेडियो सॉन्डी से अटैच होता है, उसकी सहायता से हमको डेटा मिल जाता है और हम लोग इसको फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो उसके बाद फिर ये एरोप्लेन या वायुयान का प्रयोग, बादल का कैसा फोटोग्राफ्स है उसको देख कर करके, बादल का रंग कैसा है उसको देख कर करके हम लोग पता लगाते हैं. उसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट सैटेलाइट फॉर रिलेटेड टू मौसम उपग्रह, मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, डेट इज टीरोस, TIROS, टीरोस 1. TIROS 1 यानी कि टीरोस का फुल फॉर्म होगा टीवी इंफ्रारेड इंफ्रारेड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट. टी से टीवी, आई आई से इंफ्रा, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑब्जर्विंग, एस ओ सैटेलाइट, टीरोस, TIROS, टीरोस 1. ये एक मौसम उपग्रह छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था इन 1960, 1960 में छोड़ा गया था. तब से मौसम उपग्रह में बहुत सुधार हुआ हुआ होने लगा, बहुत बहुत मॉडिफिकेशन दिखाई देने लगा, बहुत तरह के सेंसर का निर्माण किया जाने लगा. तो ये सेंसर उपग्रह के साथ को उसको अटैच कर दिया जाता है. तो सेंसर, बेसिकली सेंसर से ही तो पता लगता है कि क्या क्या चीज उसमें, अगर डेटा है, डेटा जो भी कलेक्ट करता है वो सेंसर से ही होता है. तो सेंसर उपग्रह के साथ अटैच है, सैटेलाइट के साथ अटैच है, तो वो हमको डेटा भेजता है.
यही सेंसर, जैसे बादल ऐसा है, बादल का ऐसा दिख रहा है, तो बादल वो सेंसर ही तो बादल का फोटो खींच रहा है, इमेजेस भेजता है, और उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि ऐसा मौसम होने वाला है। तो ऑर्बिटल पाथ के आधार पर दो तरह का सैटेलाइट होता है, मौसम उपग्रह होता है। एक होता है जियो सिंक्रनस, जिसको जियो स्टेशनरी उपग्रह बोलते हैं। दूसरा होता है पोलर ऑर्बिटिंग उपग्रह, जो पोलर टू पोल ऑर्बिट होता है उसका। और एक होता है जियो सिंक्रनस, जो कि इधर 0 डिग्री इक्वेटर के ये घूमता है ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रनस जियो स्टेशनरी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसका जब रिवॉल्व करता है तो वो भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पे पृथ्वी का जो रोटेशनल स्पीड है उसी के बराबर होता है। जो जितना जिस स्पीड पे पृथ्वी घूमती उसी स्पीड पे वो भी घूम रहा है, ताकि पृथ्वी का जो परिक्रमा करने वाला ग्रह की स्थिति है वो लैंड सरफेस की उसी स्थिति के ऊपर बना रहे। क्योंकि हमारा तो, हम तो इंडिया से भेजे हैं तो इंडिया का ही हमको चाहिए ना, उधर से घूम के चल जाएगा अमेरिका का। हालांकि दूसरा वाला उपग्रह भी होता है जो कि स्पीड चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा घूर्णन गति, ऐसा रोटेशनल स्पीड जो कि उसी स्थिति में बरकरार रहे जितना अर्थ का रोटेशनल स्पीड है। तो इस कारण से जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी उपग्रह कहलाता है। स्टेश जियो भू स्थाई हिंदी में कह सकते हैं, मतलब समझ लो कि जमीन पे स्थाई है, उसी क्षेत्र का आपको वो बताएगा, जानकारी देगा। तो ये उपग्रह कि जो स्थिति होती है, जो लोकेशन होता है, लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, फिक्स कर दिया जाता है, वो फिक्स है वहां पे। यही कारण है कि इसको जियो सिंक्रनस सैटेलाइट को हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है, 35,786, इतनी ऊंचाई पे वो सैटेलाइट फिक्स है, और वहां से लगातार सेंसर के माध्यम से फोटो खींच रहा है, डेटा को कलेक्ट कर रहा है और हमको जानकारी दे रहा है। तो इस प्रकार का उपग्रह से बहुत बड़े क्षेत्र का जो मतलब पिक्चर वो हम लोग को प्राप्त हो जाता है। जैसे आप मूवी देखे होगे, एक परमाणु मूवी आई थी, परमाणु मूवी में आप देखे होगे कि जैसे वो हम लोग क्या कर रहे थे, जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था इन राजस्थान में, एक जगह है, तो वहां पे हम लोग दुनिया से छुप के कर रहे थे कि हम लोग न्यूक्लियर पावर मतलब हम लोग इतना संपन्न हो गए, हम लोग दुनिया को नहीं, हम लोग परीक्षण कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे। तो दूसरे कंट्री क्या थे, वो पता लगाते रहते हैं कि अच्छा भारत ने ये पता लगा लिया है, इस यहाँ पे ये रिसर्च हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग पता लगाते रहते थे। तो हम लोग तो उससे छुप करके, इस स्थिति में अगर सैटेलाइट यहाँ है तो रिवॉल्व करके, वो जब आप मूवी देखोगे तो अभी इसको कोरिलेट कर सकते हो कि कैसे सैटेलाइट काम करता है। वो हर एक 12 घंटे पे जगह जगह का पिक्चर दे रहा था, पिक्चर खींचता है, सेंसर खींचते रहता है लगातार, तो उस जगह की जानकारी देता है। तो उपग्रह से बहुत बड़े क्षेत्र का पिक्चर प्राप्त होता है सेंसर के द्वारा। सेंसर क्या करता है, लगातार फोटो क्लिक कर रहा है, खींच रहा है, तो उस जगह का हमको जानकारी प्राप्त हो रहा है। अब जैसे मान लो, आज से हम रांची की बात करते हैं, रांची का हमको सैटेलाइट पिक्चर आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले का एक पिक्चर है, जिसमें दिखा देखा जा रहा है कि रांची का, रांची में बहुत पेड़ है, बहुत फॉरेस्ट एरिया कवर है, लेकिन अभी का हम जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें देखने के बहुत खाली है, कलर चेंज हो गया। क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर आप देखोगे, जो GIS GPS पिक्चर्स होते हैं जो सेंसर के द्वारा खींचे जाते हैं, उसमें सिर्फ कलर्स को देख के ही हम पहचान पाते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट, यहाँ पे सेटलमेंट है, यहाँ पे रोड्स बने, तो ये सब हमको, यहाँ पे रिवर्स है, और हम लोग को उसके कलर से देख के पता चलता है। तो हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट के से जो पिक्चर आया है 20 साल पहले का रांची का, उसमें देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पेड़ था, नाउ अभी का पिक्चर हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो गया। तो सैटेलाइट में जो पिक्चर है, जो फोटो है, उसमें कलर के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, अभी फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पेड़ काट दिए गए, यहाँ पे ये मिनरल्स का रिजर्व था, अभी नहीं है, समाप्त हो गए। तो ये पिक्चर, ये जो सेंसर है, ये लगातार जो फोटो क्लिक करते रहता, पिक्चर खोज खींचते रहता, वो उपग्रह से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, ये तो हो गया जियो सिंक्रनस जियो स्टेशनरी, जिसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये एक उच्च तलीय उपग्रह भी कहला, हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट भी कहलाता है। तो याद रखेंगे, जियो सिंक्रनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनकी परिक्रमा करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, जो रोटेशनल स्पीड है,
स्पीड है उसके बराबर होता है, ताकि वो परिक्रमा करने वाला जो ग्रह उपग्रह का जो स्थिति है, सैटेलाइट का जो लोकेशन है वो स्थिर रहे, हमेशा उसी के ऊपर रहे। इसलिए इसको इसका नाम दिया गया है जियो स्टेशनरी, यानी भू स्थायी उपग्रह कहा जाता है। दूसरा जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, दैट इज पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जिनको लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट भी कहते हैं। लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट का मतलब है वो निम्न तलीय उपग्रह है। जैसा आपने अभी जियोसिंक्रस यानी जियो स्टेशनरी उपग्रह के बारे में पढ़ा, इट इज हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट, उच्च तलीय उपग्रह, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित है, वहां पे फिक्स है। लेकिन ये पोलर ऑर्बिटिंग उपग्रह जो है, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इट इज लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, इसको निम्न तलीय उपग्रह कहते हैं। यानी कंपैरिजन टू जियोसिंक्रस, जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है ये उसके नीचे रहता है और नीचे है। इसको रॉकेट के द्वारा छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है, और लगभग सागर सी लेवल से 800 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो सोचिए कहाँ 35,000, लगभग 36,000, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको फिक्स किया जाता था, जियोसिंक्रस को, जियो स्टेशनरी को। और ये पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इसको कहाँ फिक्स किया जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे, 800 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो कंपेरिजन करेंगे तो दोनों में कौन हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट है, कौन लो एल्टीट्यूड है, कौन सा निम्न तलीय है, कौन सा उच्च तलीय है। उच्च तलीय है आपका जियोसिंक्रस, जियो स्टेशनरी, और निम्न तलीय यानी लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट इज पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में ही टीरोस, ये जो हम लोग टीरोस अभी पढ़े, टीरोस NOAA, ये इसी के अंतर्गत आता है, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो दोनों में मेजर डिफरेंस आप समझ गए, दोनों का आप एल्टीट्यूड जान गए। और ये जो टीरोस और NOAA, यानी ये जो नोआ है, नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मौसम उपग्रह ये इसी वर्ग के अंतर्गत आता है, किसके, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के अंतर्गत। तो जैसा कि बताया गया अभी कि बहुत तरह का सेंसर उपग्रह से अटैच कर दिया जाता है, बहुत तरह का सेंसर उसमें लगा रहता है। और सेंसर में भी दो वर्ग होता है, एक होता है साउंडिंग सेंसर और दूसरा होता है इमेजिंग सेंसर। साउंडिंग सेंसर का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिज्ञापन संवेदक, मतलब ऐसा उपकरण, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सेंसिंग के द्वारा मौसम की सूचना देता है, आवाज के द्वारा, सेंसिंग के द्वारा, बारिश का या पानी का या जैसा भी उनको आवाज सेंस हो रहा है, वैसे उस आधार पे वो मौसम की सूचना देंगे। इसलिए इसको सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, सेंसिंग यंत्र कहा जाता है। तो एक तो हो गया साउंडिंग सेंसर, सेकेंड इज इमेजिंग सेंसर। इमेजिंग का मतलब इमेज खींचना, फोटो खींचना, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। आप आईने के सामने खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन जब हम कैमरे से फोटो लेते हैं तभी भी फोटो आता है। तो ये जो सैटेलाइट में, उपग्रह में दो तरह का सेंसर होता है, वन इज साउंडिंग सेंसर, दैट इज परिज्ञापन संवेदक, दूसरा होता है प्रतिबिंबन, प्रतिबिंबम यानी इमेजिंग, इमेज खींचना। तो जो पहला वाला है साउंडिंग सेंसिंग उपकरण, साउंडिंग सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही एडवांस, वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, ये हाई रेजोल्यूशन मतलब बहुत, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल जब आप लेने जाते हो तो बोलते हैं ना कि ये HD है, ये इसका पिक्चर बहुत क्लियर आता है, इसमें आप इतना, मतलब इतना मेगा पिक्सल है, 64 मेगा पिक्सल है या 100 कुछ है, तो ऐसा मेगा पिक्सल हाई है, इसका मतलब पिक्चर का क्वालिटी इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, हाई रेजोल्यूशन है। जैसे आप टीवी देखते हो, आपके अगर टीवी में आता है HD चैनल आता है और दूसरा नॉर्मल चैनल आता है, तो दो तरह का आता है, HD इज हाई डेफिनेशन यानी हाई रेजोल्यूशन, उसका पिक्चर क्वालिटी इज वेरी गुड, पिक्चर एकदम क्लियर है और लगता है जैसे सामने ही हो रहा है, ऐसा लगता है पिक्चर में नहीं, आप एकदम सामने देख रहे हो उसको एकदम से। और उसके अलावा आप 3D एक पिक्चर देखे हो गए अगर आप हॉल में, तो उसमें लगता है कि जैसे बारिश हो रहा, तो जैसे मेरे ऊपर बारिश हो रही है ऐसा लगेगा, पोलर बियर आ गया तो लग रहा है जैसे मेरे सामने आ गया, ऐसा लगता है। वो 3D, 5D, 12D जो होता है मूवी। तो ये जो साउंडिंग उपकरण की बात हो रही है, साउंडिंग सेंसर की बात हो रही है, इट इज वेरी हाई रेजुलेशन रेडियोमीटर है एक तरह का। और ये
लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट सेंसर है, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट में लगा होता है। तो लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट कौन से है? पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अभी मैंने बताया, तो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का एग्जाम्पल है जैसे टीरोस है, नोवा है, उसके साथ इसको अटैच कर दिया गया। किसको अटैच कर दिया गया? साउंडिंग सेंसिंग जो उपकरण है उसको अटैच कर दिया गया। अब ये सेंसर क्या करता है, एटमोस्फेयर में जाता है, वायुमंडल में जा करके बहुत विभिन्न ऊंचाइयों पर बहुत तरह के विकिरण तरंग, यानी बहुत तरह का वेवलेंथ होता है, विभिन्न तरह का तरंग दैर्ध्य होता है, उससे विकिरण तरंगों से विकिरण जो होता है उस वो कितना निकल रहा है, कितना आ रहा है रेज, उसके संबंध में जानकारी देता है, उसके संबंध में इंफॉर्मेशन देता है। तो इस प्रकार का जो विकिरण का सूचना है उसके आधार पे ही हम यहाँ का टेम्परेचर ऐसा होगा, यहाँ की टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, यहाँ पे क्लाउड कवर ऐसा होगा, मेघा छादन होगा, बादलों का बेस कैसा है, उनका ऊंचाई कितने पे है, ये सब ये वाटर वेपर कितना है, वाटर वेपर यानी ये जो ह्यूमिडिटी कितना है, तो ये सब चीज का सेंस करता है ये सेंसर उपकरण जो है, साउंडिंग सेंसर। और उसका डेटा हमको मिलता है और हम उसको एनालाइज करके बदलते हैं कि अच्छा आज ऐसा मौसम आ रहा है, जैसे कल हमने परसों हमने देखा कि अच्छा कल बारिश होगी या मौसम थोड़ा सा कोल्डर देन 2 डिग्री मोर कोल्डर देन टूडे ऐसा आ रहा था लिख करके। तो इस कैसे हम पता लगाए, ये सब सैटेलाइट के थ्रू ही पता लगाया जाता है। और दूसरा है इमेजिंग सेंसर उपकरण। Am I audible, girls? मेरी आवाज आ यस रही मैम, यस मैम। है? ओके। तो पहला है साउंडिंग सेंसर उपकरण, यानी कि साउंड के आधार पे सेंस, मतलब जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको कोई आपकी मम्मी आवाज लगाती है आपका नाम लेके, तो आपको वो साउंड आप तक पहुंचा, आपके माइंड में आया कि किसका नाम बुलाया गया, आपके भाई का नाम नहीं, आपका नाम बुलाया गया, तो आप उस साउंड को सेंस करके तब आप रेस्पॉन्ड करते हो। तो उसी तरह से कैसे सैटेलाइट में उपग्रह में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं और वो साउंड को कैच करके, उस वेवलेंथ को कैच करके वो सूचना को देता है कि वायुमंडल का तापीय दशा ऐसी होगी, क्लाउड कवर ऐसा होगा, क्लाउड ऐसा होगा, ह्यूमिडिटी ऐसा है तो ऐसा होगा, तो उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है। और दूसरा जो है इमेजिंग सेंसिंग उपकरण, यानी प्रतिबिंबन संवेदक उपकरण, यानी कि इमेजिंग सेंसर जिसको कह सकते हैं। इमेजिंग, इमेज का मतलब फोटो, इमेज अपना खींचते हो ना, तो ये पहला जो मैंने पढ़ा, अभी ये जो हम लोग पढ़े साउंडिंग सेंसिंग, तो साउंडिंग सेंसर इट इज लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट पे ही लगा होता है, ये बहुत ऊंचाई पे नहीं होता है, बहुत लो एल्टीट्यूड, यानी कि ये पोलर ऑर्बिटिंग जो सैटेलाइट उसमें ही लगा होगा, लाइक टीरोस है, नोआ है, इसमें लगा होगा। दूसरा जो भी हम पढ़ रहे हैं इमेजिंग सेंसिंग उपकरण, यानी प्रतिबिंबन संवेदक उपकरण, यानी इमेजिंग सेंसर जो है वो हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट पे लगा होता है, यानी उच्च तलीय उपग्रह में लगा था। व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट, अभी मैंने बताया था, कौन सा है हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट, कोई बताओ यहाँ पे, एनी वन ऑफ यू? हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट, हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट इज जियोसिंक्रनस, यानी जियो स्टेशनरी उपग्रह, मैंने अभी बताया था आपको, जियो स्टेशनरी यानी भूस्थायी उपग्रह जो है वो है हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट। तो ये इमेजिंग सेंसर हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट, यानी कि दैट मीन्स जियोसिंक्रनस जो सैटेलाइट है उसमें लगा होता है। अब ये जो सेंसर है, ये सेंसर जो काम करता है, ये सेंसर धरातलीय सतह का जो कल्चरल है या जो फिजिकल फीचर्स है या जो टेम्परेचर का वेरिएशन है या ह्यूमिडिटी है, इन सब के संबंध में सूचनाओं को देता है, सब के संबंध में इंफॉर्मेशन देता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो धरातलीय सतह है
यानी उसमें लैंड सरफेस और ओशन सरफेस दोनों आएगा, वहां पे जो क्लाउड कवर होता है उसका इमेज देखकर, मतलब इमेज बादल का जो आवरण है उसके उसका जो इमेज, दोनों तरह का उपग्रह जियोसिंक्रस हो और पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट दोनों से प्राप्त होता है, दोनों से प्राप्त होता है, बादल का आवरण का, क्लाउड कवर का और धरातलीय सतह का। ये इमेजिंग से भी प्राप्त होता है, साउंडिंग सेंसिंग उपकरण से भी प्राप्त होता है, यानी साउंडिंग सेंसर से भी प्राप्त होता है, दोनों से तरह के सेंसर, साउंडिंग सेंसर एंड इमेजिंग सेंसर। उसके बाद है रडार। रडार क्या है? रडार आप सुने होंगे कि हवा में है, रहता है, डॉपलर रडार है, ये रडार है, बहुत तरह का रडार आप सुने होंगे। वेदर फॉरकास्टिंग में इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्टर। रडार जो है मौसम पूर्वानुमान में बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो रडार के द्वारा क्या किया जाता है? रडार के द्वारा क्लाउड्स के बारे में पता लगाया जाता है, साइक्लोन के बारे में पता लगाया जाता है, तूफान के बारे में, हरिकेन, टोर्नेडो, सभी के बारे में पता लगाया जाता है, जानकारी प्राप्त होती है। तो रडार चक्रवात के अंदर जो बादल के भीतर हो, किस प्रकार का क्रिया हो रहा है, किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, कैसा एक्टिविटी हो रहा है, उसका भी पता लगाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इसका क्या स्पीड होने वाला है, कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ ज्यादा साइक्लोन आने वाला है। और ये एक डॉपलर रडार है, उसका ही रडार का ही एक टाइप है, बहुत ही हाई क्वालिटी का रडार है। और ये टॉर्नेडो जब आता है तो किस क्षेत्र में आ रहा है उसके 20 मिनट पहले ही वो पता लगा लेता है, डॉपलर रडार। और इतना ही नहीं, ये डॉपलर रडार जो है टॉर्नेडो का मिनट टू मिनट मूवमेंट भी बताएगा कि अभी ये होने वाला, अभी इधर राइट मुड़ रहा है तो इस साइड जाएगा, लेफ्ट मुड़ रहा है तो उस एरिया को जानकारी मिल जाएगा, हर एक मिनट टू मिनट मूवमेंट का भी पता लगता है। डॉपलर रडार से हरिकेन हो या जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका ट्रैकिंग करना बहुत आसान हो गया ये रडार के माध्यम से। इंडिया में, भारत में दो उदाहरण है, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ट्रैकिंग करना होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का ट्रैकिंग करना है, दूसरा भविष्यवाणी करना, मौसम उपग्रह की उपयोगिता को सत्यापित किया जा सकता है। तो इंडिया में कई बार आप देखे होंगे कि यहाँ ये जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा भारत का, वो इट इज अ साइक्लोन प्रोन जोन है, साइक्लोन प्रोन एरिया है, क्योंकि आप देखोगे बे बंगाल में अक्सर हर कमरे में ये चक्रवात आते रहता है, साइक्लोन आते रहता है। तो 1990 में एक बार चक्रवात आया था आंध्र प्रदेश में, इट इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न कोस्ट है 1990 में, 1990 में आया था, और एक मतलब वो एक सप्ताह पूर्व ही, एक वीक पहले ही जो तट है बंगाल की खाड़ी, वहां पे लो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था। लो प्रेशर यानी डिप्रेशन बन रहा है, तो एक एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनने का वो गतिविधि है, एक तरह पता लगा सकते हैं यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। और धीरे धीरे वो वहां से बे बंगाल से वेस्ट यानी कि तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने लगा, और ये पता लगाया गया था, इसका इनसेट वन भी एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, भारतीय मौसम उपग्रह इनसेट वन भी, इससे इसको अवलोकन किया गया, इसका अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया। और इस ये चक्रवात जब आया अचानक से अपना डायरेक्शन बदल दिया, क्योंकि आ रहा था वो तमिलनाडु की ओर, तमिलनाडु कोस्ट की ओर, अचानक से डायरेक्शन बदल के ये कहाँ चला गया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने लगा। और ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है इनसेट वन बी, इससे चक्रवात का हर मिनट मिनट का ट्रैकिंग किया गया, मॉनिटरिंग किया जाने लगा, और वहां की जनता को, वहां का जो पब्लिक है, इस सूचना के आधार पर आंध्र प्रदेश को जो जनरल पब्लिक है, वहां न्यूज में फ्लैश किया गया, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि पे प्रिपेयरनेस कर दिया गया था, पूर्व सूचना दे दी गई थी, चेतावनी दी गई, क्योंकि ये तो बहुत ही डेडली साइक्लोन था ये जो आया था 1990 में। और इस ये चेतावनी देने के कारण, मतलब ये जो प्रिपेयर्डनेस हुआ, तैयारी हो गई पहले से, तो इसके वजह से वहां के हजारों लोग को जान से बचाया जा सका, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सका। तो ये अगर हमको पता नहीं रहता, ये अगर हमारे पास ये उपग्रह नहीं होता, हम लोग को मौसम की पूर्व जानकारी नहीं होती, तो
अभी तो करोड़ों जन जा सकते थे। दूसरा आया था 1999 में, 1999 में एक बार उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन। और ये भी जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये जो सुपर साइक्लोन है, ये साइक्लोन ऑब्वियसली सी कोस्ट पे ही आएगा, कोस्ट से ही, तो उड़ीसा का तटीय भाग में, कोस्टल एरिया में ये आया था अक्टूबर में, 29, 31 अक्टूबर, 29 से 31 अक्टूबर 1999। तो सुपर साइक्लोन बहुत तबाही मचाया था, और उस समय हालांकि उस समय भी चेतावनी दी गई थी भारतीय मौसम विभाग द्वारा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि उस समय जो उपग्रह था इनसेट, वो बंगाल की खाड़ी का जो ये अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, वहां से लगभग पोर्ट ब्लेयर से 500 किलोमीटर ईस्ट, और वहां से 25 अक्टूबर से ही वहां पे डिप्रेशन बनना शुरू हो गया था। तो पता लग गया था कि यहाँ पे डिप्रेशन बना है, लो प्रेशर होगा, इसका मतलब है कि साइक्लोन आने वाला है। तो उसके बाद धीरे धीरे 29 और 30, 31 अक्टूबर को इधर कोस्ट तक पहुंचा। तो ये डिप्रेशन हो बन रहा है वहां पे, लो प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब है कि पता लग गया समय रहते उपग्रह के द्वारा। तो भारतीय मौसम उपग्रह जो है ये लगातार साइक्लोन का पीछा करता रहा, साइक्लोन का पता लगाता रहा है, तभी ये हमको ये सूचना मिल पाई। और ये 26 अक्टूबर को 1999 में सुबह सुबह साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया, और ये जब मौसम विभाग ने बहुत सी जगह मतलब कम्युनिकेट कर दिया गया, न्यूज पे फ्लैश कर दिया गया, रेडियो पे, बहुत न्यूज़पेपर में आ गया, धीरे धीरे इससे बचा जा सका, वहां से लोगों को हटाया जा सका। क्योंकि ये जो 27 को सुबह ये जो मतलब चक्रवात आया था, पारादीप है यहाँ पे कोस्ट पे, पारादीप पोर्ट से, फिर ये मतलब बोलते हैं ना सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो, और वो धीरे धीरे मतलब उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, सॉरी, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ सुपर साइक्लोनिक तूफान में बदल गया, और मतलब लगभग बहुत स्पीड में उसका विंड स्पीड था, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पारादीप की ओर बढ़ रहा था। और ये मतलब ये, लेकिन ये जो है 29 अक्टूबर को मौसम विभाग ने जानकारी दे दी थी पारादीप में, पुरी के पास ये सुपर साइक्लोन आने वाला है, तो लोग बच के वहां से हट गए, वहां से काफी लोग को हटाया गया। लेकिन फिर भी सूचना दी गई थी, लेकिन उड़ीसा सरकार क्या किया था, उड़ीसा गवर्नमेंट समय रहते इसको मतलब लापरवाही कर दिए थे, इसीलिए, या फिर रेडियो नेटवर्क का अभाव था, जो भी कारण था, जनता तक बहुत ठीक तरीके से नहीं पहुंचाया गया था। और उस टाइम बहुत ये डिवास्टेटिंग साइक्लोन आया था, और बहुत लोग मर गए थे, काल कवलित हो गए थे बहुत लोग। और ये सुपर साइक्लोन के संबंध में पूर्वानुमान तो दी गई थी, पूर्वानुमान हो गया था, समय रहते चेतावनी दी भी दी गई थी, लेकिन ह्यूमन बोलते हैं ये ह्यूमन डिफिशियंसी की वजह हम लोग ही असफल हुए। उड़ीसा के तट भाग में लगभग 1 लाख लोग तो मर गए, 1 लाख लोग संक्रमित हुए थे, संक्रमित कह सकते हैं मतलब उससे झेले थे इसको। लेकिन अगर 1 लाख, अब गवर्नमेंट आंकड़ा देखा जाए तो वो काफी कम रहता है, गवर्नमेंट के आंकड़ा के अनुसार लगभग 10,000 लोग मरे गए थे, लेकिन देखा जाए तो 1 लाख लोग। अभी भी आप देखो ये कोरोना का जो आता है न्यूज में, इतना लोग ही मरे हैं, लेकिन उससे अभी एक्चुअल डेटा देखा जाए तो 10 टाइम्स मोर है ये डेथ हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट का आंकड़ा और इसमें तो डिफरेंस होता है। तो ये जब साइक्लोन के बारे में पता लगाया गया, और पता लग भी गया, सैटेलाइट के थ्रू हम लोग को मालूम चलेगा कि साइक्लोन आने वाला है, फिर भी तो ये हम जो हमारी असावधानी है उसके वजह से कई जान जाती हैं। तो आज के लिए गर्ल्स इतना ही रखते हैं, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास फर्दर। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तुम लोग को समझ में आ रहा है, तू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, उतना भी साइंटिफिक तो नहीं है। देखो मैंने अभी बताया, दो उपग्रह के बारे में बताया, दो उपग्रह है, किस किस तरह का उपग्रह है, एक तो है जियो सिंक्रोनस, दूसरा है पोलर ऑर्बिटिंग। हिंदी में भी वही लिखोगे, पोलर ऑर्बिटिंग, हिंदी इंग्लिश बोथ,
वो जियो सिंक्रस को जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रस लिखोगे, जिसको भू स्थायी ग्रह, दो तरह का है। किस कौन कैसे काम करता है, कौन हाई एल्टीट्यूड पे होता है, कौन सा लो एल्टीट्यूड पे है। दो तरह के सेंसर है, साउंडिंग सेंसर एंड इमेजिंग सेंसर, वो कैसे काम करता है, रडार क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जो केस स्टडी हुआ 1990 में, 1999 में, और इसके बाद भी तो और भी, इसके बाद लगातार आप जानते हो कि एक दो साल गैप, एक साल में 2 साल गैप करके साइक्लोन आते रहता है हमारे इधर कोस्टल एरियाज में। आप उड़ीसा के कोस्ट पे, आई वेंट, मैं अभी दिसंबर में गई थी 2020 में पुरी में, लेकिन वहां भी मैंने अभी देखा, तब तो कोरोना का था उस समय, उतना भी ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वहां मैंने देखा कि ये बहुत सारे शीशा टूटा हुआ है। सी कोस्ट पे जो भी होटल्स हैं, बहुत सारे शीशे टूटे, क्योंकि इसके पहले एक तूफान आया था, बहुत सारा आते रहता है, इका नाम हुदहुद, तो कुछ कुछ नाम दे दिया जाता है। तो ये मैंने देखा कि अभी भी होटल का शीशा साइड का टूटा हुआ है, किसी का गेट निकला हुआ है, टूटा हुआ है। लेकिन इसी ये अगर प्रिपेयर्डनेस हो जाए, अगर पहले पता लग जाए, तो काफी हद तक बचाया जा सकता है। 2004 में एक बार सुनामी आया था, आप लोग जन्म लिए हो गए कि नहीं पता नहीं, 2004 में जब सुनामी आया था इंडियन कोस्ट पे, वेरी डिवेस्टेटिंग, क्योंकि वो उसका जो एपी सेंटर था, बोलते हैं ना सुनामी, इट इज लाइक अर्थक्वेक इन सी, तो उसका एपी सेंटर था इंडोनेशिया के पास, सुमात्रा के इधर पास, हाँ इंडोनेशिया के पास। तो वहां पे से इतना बड़ा वेव आया कि हमारे जो अंडमान निकोबार है उसके कुछ आइलैंड डिवास्टेटिंग, पूरा ध्वस्त हो गए। इंदिरा पॉइंट, विच इज द सदर्न टिप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, या इंडियन मेन लैंड का जो बोल सकते हैं कि वो सदर्न टिप है, वो खत्म हो गया, डिवास्टेट हो गया, पूरा विध्वस्त हो गया। 2004 में आया था, और मैं आई वेंट देयर 2012 में पोर्ट ब्लेयर, वहां के बहुत सारे आइलैंड को हम लोग को जाने नहीं दिया गया, कि आई वेंट देयर पोर्ट ब्लेयर में, लेकिन उसके बाद 2-3 आइलैंड जाने दिया गया, उसके बाद कुछ आइलैंड को बंद कर दिया गया। उधर अभी भी ट्राइबल्स रहते हैं कुछ, जो कि बहुत प्रकृति के करीब है, नेचर के करीब है, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। हम लोग क्या है, हम लोग तो ह्यूमन बींग अपनी गलती से ही अपना जान खोते हैं, हम लोग खुद ऐसा काम करते हैं। अभी देखो कोरोना आया, लोग चमगादड़, सांप, क्या क्या नहीं खा रहे थे, इसके वजह से ये सब बढ़ा, और ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अभी देखो सेकेंड फेज में इतना ज्यादा हो रहा है। तो अभी तुम लोग सेफ रहो, घर में रहो, और गर्म पानी पीते रहो, विटामिन सी और जिंक टैबलेट खाओ, ठीक है गर्ल्स? तो मेरी आवाज आ रही है, और थोड़ा सा भी अगर फीवर या कुछ होता है तो उसको तुरंत इलाज कराओ। हालांकि तुम लोग यंग हो, यंग पीपल ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी बाहर नहीं जा ज्यादा, कम से कम कोशिश करोगे, ऑलवेज वियर मास्क, यूज सैनिटाइजर, ठीक अच्छे से रहो, ठीक है गर्ल्स? मंडे को फिर मिलते हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। ओके देन, ओके, चलो बाय, थैंक यू।